प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मटर पनीर की सब्जी बनाना बताएंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मसालों में हमने 2 चम्मच धनिया ले लिया है, 1/2 चम्मच जीरा ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा जावित्री ले लिए हैं, थोड़ा दालचीनी ले लिए हैं, 2 छोटी इलायची ले लिए हैं। आइए इन्हें पीस लेते हैं सिलबट्टे में, आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। मसाला हमने पीस लिया है, आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस जला दिए, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, चारों तरफ फैला देते हैं इस तरीके, ताकि पनीर चिपकने ना पाए। तेल काफी गर्म हो चुका है, कटी हुई पनीर डाल देते हैं। पनीर को हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। पनीर का कलर काफी चेंज हो गया है, ये देखिए, बढ़िया से हमने फ्राई कर लिया है। गैस लो कर देते हैं, अब इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। बर्तन में हमने पानी रखा है, वही में निकाल लेते हैं। इस तरीके पनीर निकालने से पनीर मुलायम रहती है, ये हमने निकाल लिया है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा चटकने लगा है। कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, इनको भून लेंगे। ये थोड़ा हमने खड़े मसाले ले लिए हैं, लौंग, काली गोल मिर्च, इनको कूट लेंगे ओखली में, छोटी ओखली में। तेज पत्ता डाल देंगे, प्याज का कलर काफी चेंज हो गया है, हमने ये मसाले कूट लिए थे तो इनको भी डाल देते हैं। कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। अब पीसे हुए मसाले डाल देते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इनको भी बढ़िया मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। मसाला बढ़िया से भून चुका है, ये देखिए। अब मटर पनीर मसाला डाल देते हैं, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। गरी का बुरादा डाल देते हैं, इनको भी थोड़ा भून लेंगे। अब हरी मटर डाल देते हैं, मटर को भी 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट हो चुका है, कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिला देते हैं। 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि बढ़िया से पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर बढ़िया से पक चुका है, अब इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर और जो पानी है पनीर का, उसको डाल देते हैं। आज हम बिना अदरक लहसुन का पनीर बनाए हैं, मटर पनीर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। तो आप इस तरीके भी बना सकते हैं बिना अदरक लहसुन के। अब इनको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, ताकि बढ़िया से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए, बढ़िया से सब्जी पक चुकी है, ऊपर ऊपर ऑयल दिखने लगा है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, ये देखिए, हरा धनिया डाल देते हैं। आइए अब सर्व करते हैं पुलाव और पूड़ी के साथ। तो आज की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, कोई गलतियां हो माफ करिए। ये देखिए कितना बढ़िया मटर पनीर बनके तैयार हुआ है। ये हमने पुलाव बनाया है, देसी घी से भून कर चावल को थाली में निकाल लिए हैं।
मटर पनीर की सब्जी निकाल लेते हैं बाउल में। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी रख लेते हैं, ये हमने पूरी रख लिया, आइए अब सर्व करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।